एसटीवी न्यूज सूरत बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना वायरस के चलते देश में जो लॉकडाउन चल रहा है उससे ज्यादातर लोग अपने घरों में रहकर ही सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, पर जो कलाकार होते हैं वो किसी भी विकट परिस्थिति में भी अपने कला को मनोरंजन का जरिया बनाते हैं। और इसी तरह से कुमार राजेश और उनकी टीम ने इस लॉकडाउन में घरों में रहकर ही एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। इस शॉर्ट फिल्म के जरिए उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। इस शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट कुमार राजेश ने खुद ने लिखी है और इस शॉर्ट फिल्म में उनका साथ देने वाले कलाकारों में बॉलीवुड के जाने माने कलाकार शक्ति कपूर जी हैं, जिन्होंने स्पेशल मैसेज दिया है। और इसी के साथ साथ अनुजा शेरावत, हिमायत अली, अशोक कालरा, शुभा सक्सेना, राजकुमार कनौजिया, साहिल कुमार, आशीष बजाज, प्रियंवदा सहाय जैसे कलाकारों ने काम किया है। इस शॉर्ट फिल्म का डायरेक्शन कुमार राजेश जी ने खुद ने किया है और ये पूरा कॉन्सेप्ट और आइडिया कुमार राजेश जी का है। इस शॉर्ट फिल्म का नाम अखबार है, जिसमें बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार राजेश। दोस्तों, अभी इस देश में जो हालात है, COVID-19 देश क्या पूरी दुनिया में इसने कहर मचा रखी है। इस दरमियान हम लॉकडाउन के गिरफ्त में आ गए हैं, अपने घरों पर रहे। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग, बहुत सारे NGOs निकल कर आ रहे हैं कुछ लोगों की मदद के लिए। आज कुछ मिडिल क्लास के लोग भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बहुत सारे NGOs सामने निकल कर आए हैं, बहुत सारे पूंजीपति जो मिलकर इस देश के ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर, जानकर कि हमारे देश में ऐसे दानी, ऐसे पूंजीपति लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग जो लाइनों में खड़े होकर राशन लेते हैं अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने नाम को आगे लाने के लिए। NGOs या दानकर्ता अपनी तस्वीर तो छपवाते ही हैं, साथ साथ लेनदारों की भी तस्वीर छप जाती है। बहुत बुरी बात है। इन सब परेशानी और दुख को देखते हुए मेरे दिमाग में एक आया कि क्यों न इस देश को एक मैसेज दिया जाए। गरीब लोगों की तस्वीर अखबारों में ना छपवाए या उनकी इज्जत मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाए, इस बात को देखते हुए मैंने एक फिल्म बनाई, अखबार में नाम, शॉर्ट फिल्म है। इसमें हमारे साथ हिमायत अली, अशोक कालरा, आशीष बजाज, शुभा सक्सेना, प्रियंवदा सहाय, राजकुमार कनौजिया, इन सब का साथ रहा इस फिल्म में। सभी ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया, मैं भी एक छोटा सा पार्ट किया हूँ इसमें। और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की गई है हम सभी के तरफ से। शक्ति कपूर जी ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिया मेरे एक कहने पे। जैसे बाकी सेलिब्रिटियों से भी मेरी बात हुई, उनके हिसाब से जो उनका जवाब आया, मैं किसी का शिकायत नहीं करता, लेकिन शक्ति कपूर जी जैसा बंदा मुझे इस इंडस्ट्री में अब तक कोई दिल को नहीं छुआ। इतने बड़े स्टार और उनका एक ही लाइन था, क्या राजेश जी आपने कभी फिल्म बनाई है? मैंने बोला हाँ सर, शॉर्ट फिल्म बनाई है ना, झूठ तो नहीं है? मैं बोला नहीं सर। तो बोले ठीक है, एक फिल्म भेजो आपने जो बनाई है। मैंने भेजा और बहुत खुशी हुई कि उन्होंने पॉजिटिव आंसर दिया और कहा कि परेशान मत करना, आज रात को आपको वीडियो मिलेगी। रात को वीडियो नहीं मिली, सेकेंड डे मैंने उनको रिमाइंड कराया, उस दिन भी रिमाइंड कराया कि सर मेरी वीडियो तो कल मिलेगी। और ठीक सेकेंड डे शक्ति कपूर जी का वीडियो आया और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि इतने बड़े आर्टिस्ट जो फिल्मों में आज तक मैंने देखा, जिनको देख देख कर हम बड़े हुए, वो मार धाड़ और नेगेटिव रोल करने वाला आदमी इतना सॉफ्ट हार्ट। थैंक यू शक्ति कपूर जी, बहुत अच्छा लगा, आप सबका साथ रहा। इस बीच मेरे फिल्म को पूरा करने में सबसे ज़्यादा और अहम
पार्ट किसी का है तो वो साहिल कुमार का, जो कि मेरा बेटा है। अगर उसका साथ ना होता तो मैं शायद घर बैठे कभी फिल्म पूरा नहीं कर पाता। किसी के भी मान मर्यादा को ठेस ना पहुंचे, ना उनको बुरा लगे, बस इस बात से मैं अपनी बात फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर आप लोग का प्यार बना रहे। इसके बाद घर वापसी, बहुत जल्द मैं शॉर्ट फिल्म लेके आ रहा हूँ, फिर आपसे रूबरू हूँ।